हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा SM क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यूपी टेट और सी टेट से जुड़े हुए पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक का तैयारी करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने परिवार, आवास, मेला जैसे टॉपिक को सॉल्व करा दिया है। तो इससे जुड़े हुए जो वीडियो हैं, अगर आप उसको नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैंने उसमें लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पर्यावरण के अगले टॉपिक हमारा परिवेश, इसके बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसकी नोट्स को बना लीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है हमारा परिवेश। तो हमारे परिवेश में जो है, चूँकि हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी टेट से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग के बारे में, उससे उत्पन्न होने वाले संसाधन के बारे में और उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो यदि हम बात करें हमारे उत्तर प्रदेश की, तो इसके कहीं कहीं पर्वत है, तो कहीं समतल क्षेत्र है और कहीं उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 भूभागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है भाबर एवं तराई भाग, दूसरा है गंगा यमुना का मैदानी भाग और तीसरा है दक्षिण का पठारी भाग। तो इन तीनों भागों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मैं उनको नोट डाउन कराऊंगा। तो आइए आप इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट करते रहिए। तो आइए सबसे पहले हम यूपी के मैप में देखते हैं कि ये तीनों क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो रेड लाइन के ऊपर की ओर आप देखेंगे तो भाबर एवं तराई का क्षेत्र पाया जाता है, जो इस समय अब उत्तराखंड का भाग बना हुआ है। तो जो उत्तराखंड नया राज्य बना है वो उसमें चला गया है। दूसरा जो है गंगा यमुना का मैदानी भाग, वो रेड और ब्लू लाइन के बीच में है। और दक्षिण का पठारी भाग आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपके लेफ्ट साइड सर्किल के अंदर बना हुआ है। तो ये तीनों क्षेत्र आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तीनों यूपी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आइए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानें। तो सबसे पहले बात करते हैं भाबर एवं तराई का भाग। तो जैसा मैंने पीछे आपको बताया कि यूपी के एक भाग को हटाकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से अनेक नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ अपने साथ पहाड़ों से होते हुए रोड़े, पत्थर, मोटी मिट्टी, कंकड़ इत्यादि लेकर चलती हैं। तो ये जब अपने मार्ग से लेकर चलती हैं तो एक जगह अब ये सब रोड़े, पत्थर, मिट्टी या चट्टानों को इकट्ठा कर देती हैं। तो इनके इकट्ठा होने से जो भाग बनता है उस भाग को हम बोलते हैं भाबर। तो ये भाग जो होता है ऊंचाई पर होता है, लेकिन जब वहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं नीचे की ओर, तो अपने साथ महीन कक्कड़, पत्थर, इन सबों को लेकर चलती हैं। और जो निचला भाग होता है उस भाग को हम बोलते हैं तराई भाग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाबर एवं तराई का निर्माण जो होता है नदियों के द्वारा होता है। तो अब यह जो क्षेत्र है भाबर एवं तराई का भाग, अब उत्तर प्रदेश में न रहकर अब नए राज्य उत्तराखंड में चला गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। तो ऊपर का जो भाग है भाबर का, वो कठोर होता है और पथरीला होता है, जो कि आपको उत्तराखंड में दिखाई देगा। और जो निचला भाग तराई भाग है वो आपको आसानी से दिखाई देगा, जो कि पूरा क्षेत्र बनाता है। तो जो तराई का भाग है, यहाँ पर जो होती है नदियाँ होती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है और जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। और इस बारिश के कारण ही अनेक प्रकार के वन यहाँ पर और इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे शीशम, साल, साकू, इन सबों के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं बहुत चौड़े पत्तियों वाली होती हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी वन प्रदेश में घूमने जाएंगे तो वहां पर आप पेड़ों में बड़ी बड़ी एवं चौड़ी पत्तियां देखेंगे। तो यहां पर घने जंगल होने के कारण यहां पर कई प्रकार के जंगली जानवर दिखाई देते हैं, जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरण इत्यादि जंगली जानवर आपको वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़े वन प्रदेश को देखते हुए यहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़े नेशनल पार्क का निर्माण किया, जिसे हम दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दुधवा नेशनल पार्क, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, तो यह पार्क हाथी, तेंदुआ, बाघ इत्यादि के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और इस पार्क को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है और जो अधिकतर सिंचाई होती है वो नलकूपों और नहरों के द्वारा होती है। तो इतनी अधिक व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर जो होते हैं फसल बहुत अच्छी मात्रा में उगते हैं, खासकर आपका गेहूँ, धान और गन्ने। तो ये जो
फसल है ये बहुत अधिक उगते हैं और इसके लिए बहुत सारे जो मशीनें होती हैं यहाँ पर अच्छे किस्म की पाई जाती हैं। तो यह क्षेत्र बहुत ही फेमस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस कारण ही यहाँ पर गन्ने से चीनी बनाने की जो मिलें होती हैं बहुत अधिक मात्रा में भाबर एवं तराई क्षेत्र में मिलती हैं। जैसे कि लखीमपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, इन सब क्षेत्रों में बहुत अधिक मिलें आपको मिलेंगी। बात करें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो इससे आया हुआ है, थारू और बोक्सा लोग इस क्षेत्र के सबसे पुराने निवासी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भाबर एवं तराई का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पुराने निवासी या सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है। तो थारू और बोक्सा यहाँ पर सबसे पुराने जनजाति है और ये सबसे पुराने लोग यहाँ पर हैं। तो ये था आपका यूपी का सबसे पहला भाग, भाबर एवं तराई का भाग, जिसका अधिकतर भाग चला गया है उत्तराखंड में। आइए अब हम अगला बात करते हैं गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा यमुना का मैदान, इसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आइए एक एक करके इन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानें। तो गंगा यमुना का मैदानी भाग जब गंगोत्री से गंगा होकर निकलती है तो भाबर तथा तराई के दक्षिण से होते हुए उत्तर के मैदानी भाग में पहुँचती है और इस मैदानी भाग में पहुँच कर वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से एक समतल मैदान का निर्माण करती है और यही समतल मैदान गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। तो ये जो गंगा यमुना का मैदान है तो इस भाग में वन प्रदेश बहुत कम होते हैं क्योंकि समतल मैदान होने के कारण इन भागों में शहरीकरण बहुत तेज़ी से होता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे इलाहाबाद, बनारस, नोएडा, ये सभी जो शहर हैं गंगा किनारे या इनके आसपास बने हुए हैं क्योंकि ये मैदान बहुत समतल होते हैं जिसके कारण आसानी से यहाँ पर शहरीकरण हो जाता है। बात करें यहाँ पर वृक्षों की तो यहाँ पर वृक्ष जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अगर बात करें हम तराई के वृक्षों से तो उनकी अपेक्षा ये बहुत छोटे होते हैं और जाड़े की समाप्त होते होते इनकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और इन पत्तियों के जल्दी गिरने के कारण इस वन को हम पतझड़ वन भी कहते हैं। बात करें सिंचाई की तो सिंचाई के लिए मुख्य रूप से यहाँ पर नहरों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार भाबर और तराई क्षेत्र में नहरों के द्वारा सिंचाई होती है ठीक इसी प्रकार गंगा यमुना के मैदान में भी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो नहरों सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक गेहूँ, धान एवं गन्ने का उत्पादन होता है। तो जो गन्ना है यहाँ का सबसे अधिक नकदी फसल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का या नकदी फसल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा नकदी फसल क्या है, गन्ना। बात करते हैं भाषा की तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ की भाषा खड़ी बोली व ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खड़ी बोली और ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं मध्य भाग में तो मध्य भाग में अवधी व पूर्वी भाग में भोजपुरी बोली जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है गंगा यमुना का मैदान और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के तीसरी भाग दक्षिण का पठार। तो सबसे पहले हम लोग जाने पठार होता क्या है, तो जमीन से जो ऊँचे उठे हुए समतल मैदानी भाग होते हैं उसे हम पठार कहते हैं। तो जो पठार है गंगा के मैदान के दक्षिण में इस प्रदेश का पठारी भाग है। इस भाग में जगह जगह छोटी पथरीली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो छोटे छोटे उबड़ खाबड़ मैदान होते हैं उसी को हम लोग पठार कहते हैं और ये जो पठार होते हैं वो पथरीली पहाड़ियों से बने होते हैं। बात करें इस क्षेत्र की मिट्टी की तो इस भाग में लाल और काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। क्योंकि पहाड़ी भाग है इसलिए लाल मिट्टी अधिक पाया जाता है और काली मिट्टी की मात्रा जो होती है लाल की अपेक्षा कम होती है। बात करते हैं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कैमूर वन्य जीवन विहार स्थापित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि कैमूर वन्य विहार कहाँ पाया जाता है। तो कैमूर वन्य विहार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सोनभद्र जिले में यह विहार पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। बात करें इसी से जुड़े हुए एक और क्वेश्चन की तो जो काले हिरण हैं और जो गिद्ध जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं इन दोनों जीवों के संरक्षण का कार्य भी इसी वन में किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था दक्षिण के पठार के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए अब कुछ और टॉपिक के बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ से खनिज पदार्थ के बारे में जानेंगे और यहाँ पर पाए जाने वाली जो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि इनसे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा कि खनिज संपदा के बारे में
कि ये सभी चीज़ें उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो बात करते हैं चूना पत्थर, तो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट बांदा ज़िले में पाया जाता है। तांबा ललितपुर, संगमरमर मिर्ज़ापुर तथा यूरेनियम भी ललितपुर में पाया जाता है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन यूपी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। खासकर चूना पत्थर पूछा गया है मिर्ज़ापुर, और दूसरा जो लास्ट वाला ऑप्शन है यूरेनियम, जो कि ललितपुर में है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रिहंद योजना, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है, और इस योजना को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो रिहंद योजना है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि सोन की एक सहायक नदी है जिसे हम रिहंद नदी कहते हैं, वहाँ पर यह बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है। और कौन से क्षेत्र में बनाई गई है, तो उस क्षेत्र का नाम है पीपरी क्षेत्र। तो आप याद रखिएगा कि यह रिहंद योजना कहाँ पर है, तो यह रिहंद नदी पर है। कहाँ पर बनाई गई है, तो पीपरी नामक क्षेत्र में बनाई गई है। बात करते हैं दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना की, माती टीला योजना। तो जो माती टीला योजना है वो झांसी की एक नदी बेतवा नदी, इस नदी पर यह परियोजना बनाई गई है। तो माती टाला योजना पे बांध बनाई गई है, इस बांध के कारण यहाँ पर अनेक नहरें निकाली गई हैं, तो इन नहरों से सिंचाई की जाती है। खासकर आपका झांसी क्षेत्र तथा हमीरपुर क्षेत्रों में आसानी से सिंचाई हो पाती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में सिंचाई के लिए आसानी से पानी उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के तीन महत्वपूर्ण भाग के बारे में जाना, और इसके अलावा खनिज संपदा एवं यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम लोग जाने हैं। अब आइए हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी टेट की परीक्षाओं में कभी न कभी और किसी वश पूछे गए हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ाया उस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आइए इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को कुल तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग था वो था भाबर एवं तराई भाग, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग, और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। तो ऑप्शन होगा थ्री। क्वेश्चन नंबर टू है, उत्तर प्रदेश में अधिकांश सिंचाई किस माध्यम से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के जो माध्यम है वो है नहर एवं नलकूप। तो इस ऑप्शन में नलकूप तो है नहीं, नहर है, तो पहला हुआ ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो उत्तर प्रदेश में किस भाग में थारू जनजाति रहती है। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि भाबर एवं तराई क्षेत्र में जो होते हैं थारू जनजाति रहती है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन एक साथ हों तो उसमें भाबर जो होगा ऑप्शन सही होगा, और यदि भाबर और तराई दोनों एक साथ हैं तो आप एक लगा सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा भाबर, ऑप्शन नंबर एक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, तो क्वेश्चन नंबर फोर है, मैदानी भाग में किस हिस्से में अवधी भाषा बोली जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैदानी भाग में जो मध्य भाग है उस मध्य भाग में जो होती है अवधी भाषा बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू सही होगा, मध्य भाग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, कि मिर्ज़ापुर के किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मिर्ज़ापुर चूना पत्थर और संगमरमर के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ चूना पत्थर है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा एक सही होगा, चूना पत्थर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, काले हिरण और गिद्धों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किस वन्य विहार को स्थापित किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैमूर वन्य जीवन विहार जो कि मिर्ज़ापुर के सोनभद्र ज़िले में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैमूर वन्य जन विहार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, रिहंद योजना किस नदी पर स्थापित है। तो जैसा कि नाम में ही है रिहंद योजना, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर टू, रिहंद नदी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, उत्तर प्रदेश संगमरमर खनिज के लिए किस जिले को जाना जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि चूना पत्थर एवं संगमरमर ये दोनों मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की, माता टीला योजना बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जैसा मैंने बताया था कि बेतवा नदी पर बनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की,
क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना कहाँ स्थित है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यह पीपरी, जो पीपरी क्षेत्र है वहाँ पर, और सोन नदी पर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।